नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताने वाला हूं। आप यहां पे देख सकते हो 22,810 करोड़ रुपए की व्यय करने वाले हैं सरकार। किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ए टू जेड मैंने आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के मंजूरी दे दी। आप यहाँ पे देख सकते हो 9 दिसंबर 2020 को रिलीज किया गया है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को ए टू जेड अभी बताऊंगा। वीडियो को आप लोग पूरे देख लीजिए तभी जाके आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मंजूरी दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो 9 दिसंबर 2020। उसके बाद मैंने नीचे आके आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों की प्रोत्साहित किए जाने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1584 करोड़ रूपए की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020 से 2023 22,810 करोड़ रुपए की व्यय की अनुमति दी है। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है किसको फायदा मिलेगा कितना फायदा मिलेगा मैंने ए टू जेड आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो को आप लोग पूरे देख लीजिए तभी जाके आपको पता चलेगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जो मेन चीज है वो मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैंने 1 नंबर वाले बता देता हूँ। भारत सरकार 1 अक्टूबर 2020 के या उसके बाद और 30 जून 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारी के 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करे। आपको इसमें ध्यान रखना है 30 जून 2021 के बाद जो भी शामिल होगा उनके लिए फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है जो सब्सिडी देने वाले हैं सरकार उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर वाले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 कर्मचारी है वहाँ केंद्र सरकार 2 वर्ष की अवधि के लिए 12% कर्मचारी योगदान और 12% नियोक्ता योगदान दोनों वेतन भत्ता के 24% ईपीएफओ में योगदान देगी। आप लोगों को ध्यान रखना है 12% कर्मचारी के और 12% कंपनी के जो दोनों 24% होता है वो बिल्कुल सरकार केंद्र सरकार यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को 3 नंबर वाले बताता हूँ। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी है वहाँ केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के संदर्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए ईपीओ में केवल 12% कर्मचारी योगदान देगी। इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जिस कंपनी में 1000 से कम एम्प्लॉय है उनका जो 12% एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर 24% 12% 12% मिला के 24% कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सरकार भरेगा। और जिस कंपनी में 1000 के ऊपर एम्प्लॉय है उनका जो कंट्रीब्यूशन है 12% और 12% 12% एम्प्लॉय शेयर सरकार भरेगा। और जो एम्प्लॉयर शेयर है जो कंपनी के शेयर है वो कंपनी को ही भरने पड़ेगा जिस कंपनी में 1000 से ऊपर एम्प्लॉय है। इसका मतलब जो एम्प्लॉय है सैलरी बढ़ने वाला है, जो कंट्रीब्यूशन होता था पीएफ का वो सैलरी में आने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आके आप लोगों को दिखाता हूँ 4 नंबर कॉलम। कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है और वह किसी ऐसे संस्था में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से पंजीकृत था और उसके पास इन अवधि से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या पीएफ नंबर नहीं था उसके भी इसका पात्र होगा। मतलब जो 2 साल के जो फैसिलिटी है वो भी मिलेगा। अब मैं 5 नंबर वाले आप लोगों को बता देता हूँ। कोई भी ईपीएफ सदस्य जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है और जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है और यदि उसके कोविड महामारी के दौरान 1/3/2020 से 30/9/2020 के अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी और उससे ईपीएफओ के दायरे में आने वाली किसी रोजगार प्रदाता संस्थान में 30/9/2020 तक रोजगार नहीं मिला है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है अगर लॉकडाउन में आपके काम छूट गया हुआ 30/9/2020 तक आपको नौकरी नहीं मिला इस योजना के लाभ लेने के लिए भी पात्र है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे 6 नंबर वाले आप लोगों को बता देता हूँ। सदस्य के आधार संख्या से जुड़े खाते में ईपीएफ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा। आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है आपके यूएन अकाउंट में
आधार कार्ड जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके एक्टिवेट नहीं है आधार कार्ड आपके यूएन अकाउंट में, तो अपने आधार कार्ड को एक्टिवेट करा लीजिए आपके यूएन अकाउंट में, तभी जाके ये फैसिलिटी आपको मिलेगा। 7 नंबर 8 नंबर पे ऐसे कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप पढ़ने चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा हूँ, आप उसमें डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।